स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर फाइन। बेटा, अपना फर्स्ट चैप्टर कंप्यूटर का कंप्लीट हो चुका था। चैप्टर नेम था अपना फर्स्ट चैप्टर का लेटस एक्सप्लोर। क्या था चैप्टर नेम? लेटस एक्सप्लोर। इसके अंदर में मैंने आपको बेसिक कंप्यूटर के बारे में बताया था, एप्लीकेशन बताई थी कंप्यूटर की, कंप्यूटर क्या होता है ये बताया था, कंप्यूटर कैसे डिज़ाइन होता है और ऑपरेशंस क्या होते हैं, इसके बेसिक डिवाइसेस के बारे में बताया था, इनपुट आउटपुट स्टोरेज डिवाइसेस के बारे में, सॉफ्टवेयर हार्डवेयर के बारे में बताया था आप लोगों को। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो गया था। इसका टेस्ट भी मैंने ले लिया है बेटा। वैसे तो ऑलमोस्ट सब बच्चों ने टेस्ट दिया है, पर जिन बच्चों ने टेस्ट नहीं दिया है प्लीज़ वो स्टूडेंट्स कंटिन्यू अपना टेस्ट दीजिए, जिससे आप लोग स्टडीज़ के टच में रहेंगे कंटिन्यूली। ठीक है, आपकी स्टडीज़ पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा इस पैंडेमिक का। आज का अपना चैप्टर है बेटा ऑपरेटिंग सिस्टम। ये बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, आप इस वीडियो को देखो, आपको इंटरेस्ट आएगा। आई होप सब बच्चों को इंटरेस्ट आएगा, वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग बनेगा आज का अपना। देखिए इंट्रोडक्शन, ये बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है चैप्टर हमारे लिए, क्योंकि बेसिक है, बहुत बेसिक है ये। देखो बेटा, अपन ने फर्स्ट यूनिट में पढ़ा था कि कंप्यूटर के टू मेन पार्ट्स होते हैं। कंप्यूटर डिज़ाइनिंग में हमने देखा था हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। फिर हम जब सॉफ्टवेयर के अंदर गए थे तो उसमें हमने फर्दर क्लासीफाई करा था एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड सिस्टम सॉफ्टवेयर। अब जो हमारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर थे बेटा, वो क्या कर रहे थे? अपने केवल एप्लीकेशंस को रन कर रहे थे, एप्लीकेशंस को रन करते थे पर्टिकुलर। लेकिन अगर सिस्टम सॉफ्टवेयर हमारे कंप्यूटर में नहीं है तो हम हमारे कंप्यूटर में किसी भी एप्लीकेशन को रन नहीं कर सकते हैं, हमारा कंप्यूटर स्टार्ट नहीं होता है। और विदाउट सिस्टम सॉफ्टवेयर हमारा कंप्यूटर, हमारे पास कहते हैं ना कि सारी चीज़ें हैं लेकिन फिर भी हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं, वो वाली कंडीशन हो जाती है हमारे साथ में। ठीक है, तो जो हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर है बहुत ही मेन पार्ट होता है, बहुत ज़रूरी होता है। तो ये जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है उसी के अंदर आता है बेटा ऑपरेटिंग सिस्टम, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम किसका पार्ट है? सिस्टम सॉफ्टवेयर का पार्ट है। देखो सिस्टम सॉफ्टवेयर, टू वर्ड्स है सिस्टम सॉफ्टवेयर, और ऑपरेटिंग सिस्टम की स्पेलिंग में भी आपके टू वर्ड्स हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। तो वो सिस्टम जो कंप्यूटर को ऑपरेट करता है क्या कहलाता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। और सिस्टम सॉफ्टवेयर का वर्क क्या होता है? सारे रिसोर्सेज को मैनेज करना, कंप्यूटर को ऑपरेट करना, यही वर्क होता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम किसका पार्ट होगा? सिस्टम सॉफ्टवेयर का। ठीक है, अपन स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर नाउ। इंट्रोडक्शन, यू नो दैट एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोग्राम इन अ कंप्यूटर सिस्टम। सबको पता है ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट प्रोग्राम होता है कंप्यूटर सिस्टम में, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया है कि विदाउट ऑपरेटिंग सिस्टम आप कंप्यूटर को स्टार्ट नहीं कर सकते हो ना, विदाउट ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इसीलिए ये क्या होता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है हमारे कंप्यूटर सिस्टम का। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम, इट इज़ एन इंटीग्रेटेड सेट ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर। ये क्या है? इंटीग्रेटेड सेट है सिस्टम सॉफ्टवेयर का, जिसका यूज़ क्या होगा? यूज्ड टू मैनेज द डिफरेंट रिसोर्सेज ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम एंड इट्स ओवरऑल ऑपरेशन। इसका क्या काम होता है बेटा? मैनेज करना डिफरेंट डिफरेंट रिसोर्सेज को, जो भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप के रिसोर्सेज हैं, आपकी इनपुट यूनिट है, आउटपुट यूनिट है, स्टोरेज यूनिट है, जो भी आपके रिसोर्सेज हैं, जो भी ये यूज़ ले रहे हैं, जो भी आपके सॉफ्टवेयर हैं, उन सबको मैनेज करता है, जो कि हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर कर रहा था। वही वर्क यहाँ कौन कर रहा है? ऑपरेटिंग सिस्टम कर रहा है। ठीक है, और जो ओवरऑल ऑपरेशन है उन सबको भी ये मैनेज करता है। तो देखिए, इट इज़ एन इंटीग्रेटेड सेट ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर का इंटीग्रेटेड सेट होता है। इंटीग्रेटेड मीन्स होता है एकीकृत, मीन्स एक इकट्ठा क्या होता है ये सेट होता है, इंटीग्रेटेड सेट ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर, जिसका यूज़ क्या होता है? क्यों किया जाता है इकट्ठा सारे सिस्टम सॉफ्टवेयर को क्यों किया जाता है? क्योंकि ये मैनेज करता है डिफरेंट डिफरेंट रिसोर्सेज को और कंप्यूटर सिस्टम को एंड इट्स ओवरऑल ऑपरेशंस, और सारे ओवरऑल ऑपरेशंस को। देखिए, आप सिस्टम सॉफ्टवेयर को इस तरह से ले सकते हैं, हमारे पास में घर में वीट का फ्लोर है, आटा है, सब्जी है कच्ची, लेकिन गैस नहीं है, वाटर है, सब कुछ है हमारे पास में लेकिन गैस नहीं है, तो क्या हम रोटी बना सकते हैं? नहीं बना सकते हैं। तो इसी तरह से सिस्टम सॉफ्टवेयर वाली चीज़ क्या हो गई हमारी? जो हमारी गैस है वो क्या है बेटा? सिस्टम सॉफ्टवेयर। ठीक है, अब ये जो आपका ब्लू कलर से हाईलाइट हो रहा है ये क्या है बेटा? डेफिनेशन है किसकी? सिस्टम सॉफ्टवेयर की। देखिए, ऑपरेटिंग सिस्टम की डेफिनेशन है ये, एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ एन इंटरफेस बिटवीन द ह्यूमन यूज़र एंड द कंप्यूटर हार्डवेयर। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? इंटरफेस है किसके बीच में? ह्यूमन यूज़र और कंप्यूटर हार्डवेयर के बीच में। इंटरफेस, इंटरफेस मतलब एक माध्यम है, किसके बीच में? ह्यूमन यूज़र, जो भी हम लोग हैं, ह्यूमन यूज़र हम हैं, वी ऑल आर ह्यूमन यूज़र, हमारे बीच में और कंप्यूटर के जो भी हार्डवेयर डिवाइसेस हैं, माउस हुआ, कीबोर्ड हुआ, स्कैनर हुआ, प्रिंटर हुआ, उन सब के बीच में क्या होता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर एक इंटरफेस होता है। अब देखिए, क्यों होता है ये इंटरफेस? क्योंकि अगर हमारे पास हार्डवेयर डिवाइसेस हैं लेकिन हमारे पास सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है या फिर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है और हम बैठे हुए हैं कंप्यूटर पर, तो क्या हम कंप्यूटर को वर्क कर सकते हैं? कंप्यूटर पर कोई नहीं कर सकते हम। तो इसीलिए ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है बेटा? इंटरफेस होता है।
किसके बीच में होता है, यूज़र और कंप्यूटर हार्डवेयर के बीच में। फिर देखिए डेफिनेशन अगर आती है, डिफाइन द टर्म ऑपरेटिंग सिस्टम, तो आप क्या लिखेंगे, ऑपरेटिंग सिस्टम इज एन इंटरफेस बिटवीन द ह्यूमन यूजर एंड द कंप्यूटर हार्डवेयर। नेक्स्ट आइए देखिए, इट एसिस्ट द कंप्यूटर सिस्टम टू रन वेरियस एप्लीकेशंस। ये क्या करता है, कंप्यूटर सिस्टम के ऊपर बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के एप्लीकेशन प्रोग्राम जो हैं उनको रन करता है, उनको रन करने के लिए ज़रूरी होता है। इट कंटेन्स इंस्ट्रक्शन, और क्या कंटेन करेगा बेटा, इंस्ट्रक्शन को कंटेन करेगा टू कैरी आउट डिफरेंट टास्क, कि आप उसके थ्रू क्या कर सकते हो, कैरी आउट कर सकते हो डिफरेंट डिफरेंट टास्क को इन द कंप्यूटर सिस्टम, कंप्यूटर सिस्टम में। इट इज़ एन ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम, ये ऑर्गेनाइज कलेक्शन है प्रोग्राम का इन द कंप्यूटर सिस्टम, कंप्यूटर सिस्टम में, दैट प्रोवाइड द नेसेसरी एनवायरनमेंट फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ डिफरेंट एप्लीकेशन प्रोग्राम। देखिए मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ, इट असिस्ट्स द कंप्यूटर सिस्टम टू रन वेरियस एप्लीकेशन प्रोग्राम, क्या करता है, रन करता है डिफरेंट डिफरेंट एप्लीकेशन प्रोग्राम को। इट कंटेन्स इंस्ट्रक्शन टू कैरी आउट डिफरेंट टास्क इन द कंप्यूटर सिस्टम, और क्या कंटेन करता है, ये इंस्ट्रक्शन को कंटेन करता है। क्यों कंटेन करता है बेटा इंस्ट्रक्शन को, कि इसके थ्रू क्या हो सकते हैं अपने डिफरेंट डिफरेंट टास्क जो है वो कैरी आउट होते हैं। मीन्स अगर ऑपरेटिंग सिस्टम होता है तभी तो हमारा सिस्टम स्टार्ट होता है, और जब सिस्टम स्टार्ट नहीं होगा जब तक हम किसी भी एप्लीकेशन को यूज़ नहीं ले सकते। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कौन से होते हैं बेटा, MS Word, MS Paint, MS Excel, ये सब क्या है, आपकी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। तो जब तक आपका कंप्यूटर ही स्टार्ट नहीं होगा तो आप इनको कर सकते हो, इन पे वर्क नहीं कर सकते हो ना। तो इसीलिए जो हमारा ये कंप्यूटर सिस्टम सॉफ्टवेयर या फिर ऑपरेटिंग सिस्टम जिसको हम बोल रहे हैं, ये क्या करता है, हमारा रन करता है वेरियस एप्लीकेशन प्रोग्राम्स को, और क्या कंटेन करता है ये बेटा, इंस्ट्रक्शन को कंटेन करता है। कौन से इंस्ट्रक्शन को, वो इंस्ट्रक्शन जो कि डिफरेंट डिफरेंट टास्क को कैरी आउट करते हैं कंप्यूटर सिस्टम में। फिर देखिए, इट इज़ एन ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम इन द कंप्यूटर सिस्टम, ये क्या होता है, ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन होता है प्रोग्राम का कंप्यूटर सिस्टम में। दैट प्रोवाइड्स द नेसेसरी एनवायरनमेंट, जो कि एक नेसेसरी एनवायरनमेंट प्रोवाइड करवाता है फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ डिफरेंट एप्लीकेशन प्रोग्राम, डिफरेंट डिफरेंट एप्लीकेशन प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के लिए। देखिए, इट एसिस्ट्स द कंप्यूटर सिस्टम टू रन वेरियस एप्लीकेशन प्रोग्राम्स, इट कंटेन्स इंस्ट्रक्शन टू कैरी आउट डिफरेंट टास्क इन द कंप्यूटर सिस्टम, इट इज़ एन ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम इन द कंप्यूटर सिस्टम दैट प्रोवाइड द नेसेसरी एनवायरनमेंट। नेसेसरी एनवायरनमेंट देखिए, अब हमारे पास में अगर गैस नहीं है, गैस तो है हमारे पास, बर्नर तो है गैस का, लेकिन हमारे पास सिलेंडर नहीं है, तो इसका मतलब क्या है, हमारी किचन में एनवायरनमेंट नहीं है ज़रूरी क्योंकि खाना हम पका सकें, क्योंकि जब तक सिलेंडर ही नहीं है गैस नहीं चलेगी। तो इसी तरह से ऑपरेटिंग सिस्टम ने क्या प्रोवाइड करवाया बेटा, एक ज़रूरी एनवायरनमेंट, ज़रूरी चीज़ें। किसके लिए ज़रूरी होती है वो चीज़ें, एग्जीक्यूशन करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट एप्लीकेशन प्रोग्राम का। ठीक है, इतना आया आपको समझ में। अब देखिए यहाँ ये आइटम दिए हुए हैं, ये जो विंडो 7 लिखा हुआ है ये क्या है बेटा, टाइप है ऑपरेटिंग सिस्टम का। क्या है, टाइप है ऑपरेटिंग सिस्टम। जब भी आप कंप्यूटर स्टार्ट करते हैं, हम CPU का सबसे पहले हम क्या करते हैं, कंप्यूटर स्टार्ट करने के लिए पावर सप्लाई का बटन ऑन करते हैं, उसके बाद में हम CPU का बटन प्रेस करते हैं। CPU का बटन प्रेस होने के बाद में तो आफ्टर अ फ्यू सेकेंड्स हमारी स्क्रीन पे शो होता है स्टार्टिंग विंडोज़ मैसेज, स्टार्टिंग विंडोज़, या फिर स्टार्ट विंडो अल्टीमेट, स्टार्ट विंडो 7 अल्टीमेट, स्टार्ट विंडो 98, स्टार्ट विंडो 2000। इस तरह से जो शो होता है उसका मतलब होता है आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो क्या हो रहा है, अभी क्या हो रहा है, ऑपरेटिंग सिस्टम लोड हो रहा है कंप्यूटर की मेमोरी में, क्या हो रहा है, लोड हो रहा है। ठीक है, अब देखिए मैक OS इज अनदर टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। देखिए जैसे हमारे घर में गैस होती है, गैस कोई सिलेंडर से ही तो जलती है, सिलेंडर चाहिए होता है गैस का, बर्नर चाहिए होते हैं गैस के। ठीक है, इसके अलावा आप लोगों ने देखा होगा जो हमारे विलेज एरियाज होते हैं वहाँ पर चूल्हा, चूल्हा होता है मिट्टी का बना हुआ, उसके अंदर में लकड़ी को जलाया जाता है, उससे भी आग निकलती है, तो उस पर भी खाना पकाया जाता है ना। तो जिस तरह से ये डिफरेंट डिफरेंट क्या है हमारे पास में एनवायरनमेंट है, उसी तरह से यहाँ ऑपरेटिंग सिस्टम के भी डिफरेंट डिफरेंट एनवायरनमेंट है। जैसे विंडो 7 एक एनवायरनमेंट है, मैक OS दूसरा एनवायरनमेंट है, लिनक्स इज अनदर एग्जांपल। ये सब अगर आपसे पूछा जाता है राइट द एग्जांपल ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, तो आप उसमें लिख सकते हो विंडो 7, मैक OS, लिनक्स, यूनिक्स, डॉस, ये सब हम उसमें लिख सकते हैं। जैसे बेटा चॉकलेट्स हम खाते हैं, चॉकलेट्स के टाइप आते हैं फ्रूट एंड नट, क्रैकर्स और सिल्क और डेयरी मिल्क सिंपल वाली। तो इसी तरह से ये क्या होते हैं, इसके डिफरेंट डिफरेंट टाइप हैं। जैसे आपके फ्लेवर्स होते हैं आइसक्रीम के, स्ट्रॉबेरी, फ्रूट एंड नट होती है, बटर स्कॉच होती है, वनीला होती है, उसी तरह से जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसके भी डिफरेंट डिफरेंट फ्लेवर्स हैं। तो क्या होते हैं, विंडो 7, मैक OS, लिनक्स, यूनिक्स, डॉस। तो सब सारी आइसक्रीम खाने से हमें क्या होती है, सारी आइसक्रीम चिल्ड ही होती है, ऐसा तो नहीं है
स्ट्रॉबेरी वाली हॉट होगी और वनीला चिल्ड होगी, ऐसा नहीं होता बेटा। चोकोबार स्ट्रॉबेरी वनीला सारी चिल्ड होती है, तो उसी तरह से सारे सब कुछ सेम ही होते हैं, ये लगभग लगभग सेम होते हैं। जैसे वो डिफरेंट डिफरेंट टेस्ट होता है, वैसे ही डिफरेंट डिफरेंट थोड़ा सा डिफर करते हैं इनके एनवायरनमेंट जो कि प्रोवाइड होते हैं हमें। ठीक है, अब पेज नंबर 17 ओपन कीजिए। देखिए, इन अर्ली डेज कंप्यूटर देयर वर नो ऑपरेटिंग सिस्टम। पुराने टाइम पे जो हमारे कंप्यूटर सिस्टम थे उनके पास में कोई ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं था। बट ऑल द मॉडर्न डे कंप्यूटर्स हैव वन और मोर ऑपरेटिंग सिस्टम। लेकिन जो हमारे मॉडर्न डे के कंप्यूटर्स हैं उनके पास में एक या एक से ज़्यादा ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऑपरेटिंग सिस्टम आर लोडेड फर्स्ट इन द कंप्यूटर सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम सबसे पहले कहाँ लोड हो जाता है बेटा? कंप्यूटर सिस्टम में। When you switch on the computer system, जब भी हम switch on करेंगे computer system का, तो operating system automatically load होता है। और ये जो automatically load होता है, इसको अपन क्या बोलते हैं? Booting। क्या बोलते हैं? Booting। मैंने भी आपको बताया था, CPU का बटन ऑन करते हैं, स्क्रीन पे लिखा था स्टार्टिंग विंडोज़, तो उसका मतलब होता है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम लोड हो रहा है कंप्यूटर की मेमोरी में। तो वो जो प्रोसीजर होता है ऑपरेटिंग सिस्टम लोड होने का कंप्यूटर की मेमोरी में, वो क्या कहलाता है? बूटिंग कहलाता है। तो बूटिंग की डेफिनेशन अगर आती है तो आप क्या लिखेंगे? When you switch on the, मैं हाईलाइट कर देती हूँ, व्हेन यू स्विच ऑन द कंप्यूटर सिस्टम द ऑपरेटिंग सिस्टम लोड्स ऑटोमेटिकली, दिस इज कॉल्ड बूटिंग। जब भी हम स्विच ऑन करते हैं कंप्यूटर सिस्टम का, तो ऑपरेटिंग सिस्टम लोड हो जाता है ऑटोमेटिकली, और इसको अपन क्या बोलते हैं बेटा? बूटिंग। क्या बोलते हैं? बूटिंग। व्हेन यू स्विच ऑन द कंप्यूटर सिस्टम द ऑपरेटिंग सिस्टम लोड्स इनटू कंप्यूटर मेमोरी, दिस इज कॉल्ड बूटिंग। इसको अपन बोलते हैं बूटिंग। अब देखिए, नेक्स्ट टॉपिक आता है अपना फंक्शंस ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इसमें हम क्या पढ़ेंगे? एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर कैरिंग आउट अ नंबर ऑफ फंक्शंस। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है? इसने एनवायरनमेंट तो प्रोवाइड करवा दिया है, इसके थ्रू हमारी एप्लीकेशंस तो रन कर गई ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू, लेकिन इसका कुछ रोल होगा, इसकी कुछ फंक्शनिंग होगी। तो क्या फंक्शंस होते हैं? एन जैसे अपने घर में कोई शादी होती है, इवेंट होता है, तो उसमें एक के बाद एक फंक्शंस होते हैं। तो इसी तरह से ऑपरेटिंग सिस्टम के भी बेटा कुछ फंक्शंस होते हैं, वो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर कैरिंग आउट अ नंबर ऑफ फंक्शंस टू अनेबल द यूज़र एंड द सॉफ्टवेयर। जो कि क्या करते हैं? अपने अनेबल करते हैं यूज़र को और सॉफ्टवेयर को कि वो दोनों क्या करें? इंटरेक्ट करेंगे किसके साथ में? हार्डवेयर के साथ में। डिफरेंट फंक्शंस आर एसेंशियल टू ऑपरेट द कंप्यूटर सिस्टम एफिशिएंटली। जो डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस होते हैं वो किस लिए ज़रूरी होते हैं? ऑपरेट करने के लिए कंप्यूटर सिस्टम को एफिशिएंटली। तो देखिए, ऑपरेटिंग सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कैरिंग आउट अ नंबर ऑफ फंक्शंस टू अनेबल द यूज़र एंड द सॉफ्टवेयर टू इंटरेक्ट विद द हार्डवेयर। कि जो हमारा यूज़र है वो और जो भी हमारा सॉफ्टवेयर है वो क्या किसके साथ इंटरेक्ट करेंगे? हार्डवेयर के साथ में। क्योंकि जब यूज़र और सॉफ्टवेयर कैसे इंटरेक्ट करते हैं? हार्डवेयर के थ्रू ही तो करते हैं। जब तक माउस या कीबोर्ड नहीं होगा, आप किसी सॉफ्टवेयर को ओपन कर सकते हो? नहीं कर सकते हो। वो होना ज़रूरी है, जब भी हम उसमें वर्क कर सकते हैं। तो जो ये हमारे इंटरेक्ट करते हैं, ये यूज़र एंड सॉफ्टवेयर हार्डवेयर के साथ में, वो किसके थ्रू करते हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू करते हैं। लेकिन ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करवाता है? अनेबल करता है ना यूज़र को और सॉफ्टवेयर को कि वो इंटरेक्ट कर लें हार्डवेयर से। ठीक है, तो वो जो अनेबल करता है ऑपरेटिंग सिस्टम बेटा यूज़र को और सॉफ्टवेयर को कि हार्डवेयर से आप इंटरेक्ट कर लो, उसके लिए बहुत सारे फंक्शंस होते हैं। तो उसमें कुछ एक फंक्शन यहाँ बताए गए हैं। डिफरेंट फंक्शन आर एसेंशियल टू ऑपरेट द कंप्यूटर सिस्टम एफिशिएंटली। डिफरेंट डिफरेंट जो फंक्शंस होते हैं वो एसेंशियल होते हैं ऑपरेट करने के लिए कंप्यूटर सिस्टम को एसेंशियली। कुछ एक फंक्शंस यहाँ बताएं, मेनली ये फोर फंक्शन होते हैं। देखिए, सम की फंक्शंस परफॉर्म्ड बाय एन ऑपरेटिंग सिस्टम आर एज फॉलोज। फर्स्ट होता है आपका प्रोसेस मैनेजमेंट, सेकंड होता है मेमोरी मैनेजमेंट, थर्ड होता है डिवाइस मैनेजमेंट, फाइल मैनेजमेंट। कौन कौन से होते हैं बेटा? प्रोसेस मैनेजमेंट, डिवाइस मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट, फाइल मैनेजमेंट। नेम से पता लग जाएगा, प्रोसेस मैनेजमेंट प्रोसेसेस को मैनेज करेगा, डिवाइस मैनेजमेंट सारी डिवाइसेस को मैनेज करेगा, मेमोरी मैनेजमेंट मेमोरी को मैनेज करेगा, फाइल मैनेजमेंट के थ्रू सारी फाइल्स जो हैं वो मैनेज होंगी। प्रोसेसेस कौन सी होंगी कि इसके बाद ये टास्क होना चाहिए, इसके बाद ये टास्क होना चाहिए, ऐसे मेमोरी में डेटा कब एलोकेट हो रहा है, कब डी एलोकेट हो रहा है। डिवाइसेस कैसे मैनेज होंगी कि अभी हम माउस का बटन अगर प्रेस कर रहे हैं तो माउस ही एक्टिव रहना चाहिए, कीबोर्ड एक्टिव नहीं होगा, कीबोर्ड की कोई की प्रेस नहीं होगी। फाइल मैनेजमेंट कैसे होगा कि हमें फाइल्स कैसे मैनेज करनी है, कि हमारी कौन सी फाइल कहाँ स्टोर है और उसको हम कैसे मैनेज कर रहे हैं। तो बेटा ये इतना, आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। आज मैंने आपको बताया है ऑपरेटिंग सिस्टम का इंट्रोडक्शन, ऑपरेटिंग सिस्टम की डेफिनेशन, फिर डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्पल्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, फिर मैंने बताया बूटिंग, फिर बताया हमने आपको फंक्शंस ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये इतना टॉपिक आपका आज क्लियर हुआ होगा। आगे का अपन बेटा नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अब मैं एक एक फंक्शन नेक्स्ट क्लास में आपको एक्सप्लेन करूँगी। आपको कुछ भी चीज़ें अगर वीडियोज़ में समझ नहीं आ रही हैं तो बेटा प्लीज़ आप लोग उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट डाल सकते हैं, अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है तो उसके लिए, और समझ आ रहा है उसके लिए डालना है तो आप डालिए।
जो भी प्रॉब्लम्स हैं या कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई क्वेरी है, कुछ भी है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखिए, ठीक है। सो थैंक यू, गुड बाय, हैव अ नाइस डे बेटा।